हूँ भाई साहब। दोस्तों आज हम निकले हैं ट्रिप पे और हमारा ट्रिप है गोंदली डैम। इधर मुड़ना है हमें, ये देखो रास्ता भटकते हुए हम। ये है मेरा दोस्त अर्जित, जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम है, देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पहुँच रहे हैं जंगलों के बीच। यहाँ पे कुछ वन्य प्राणी भी मिलते हैं जैसे हिरण और नील गाय। तो देखते हैं आगे पहुँचते हैं। नील गाय मेरे दोस्त छवि और गौरव। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और हम गोंदली डैम के बहुत ही पास हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम लोग गोंदली डैम। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको थोड़ा। अभी बरसात नहीं हुई है तो पानी पूरा सूख चुका है यहाँ डैम का। तो पहले पानी यहाँ तक होते थे, अभी हुए नहीं है। बहुत कम हो चुका है यहाँ का पानी अभी, फिर भी जाके देखते हैं आगे। ये तो देखा था, ये छोटे छोटे घोंगे। दोस्तों ये है गोंदली डैम, पहुंच चुके हैं। पास यहाँ पे हम लोग सब नाश्ता करते हुए, दोस्त लोग बड़ा समोसा, और यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे कौ में यहाँ पे चटनी डालते हुए सब दोस्तों के साथ। खाना खा के निकले नहीं थे तो बड़ा खाता हुआ मेरा दोस्त। मिर्ची के साथ ये डॉगी एक अपना दोस्त बन गया यहाँ पे, उसको भी खाने को दे देते हैं हम लोग। खा लो खा लो खा लो। ये डैम के दूसरी ओर का नजारा है जो कि काफी खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि डैम की दूसरी ओर एक प्राचीन मंदिर है जो कि 7-8 सालों में पहली बार दिखा गया है। यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा पड़ी थी कि यहाँ पानी का स्तर लेवल बहुत कम हो गया था जिससे यह मंदिर देखा जा सकता है। तो हम उसी मंदिर की ओर जा रहे हैं। हम यहाँ भी भटक चुके हैं रास्ता कि अब हमें जाना कहाँ है, क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से एक जगह है जो जाना है, लेकिन यहाँ पे खेती आ गई है। और ये जो रास्ता दिखा रहे हैं हमारे भैया, हमारे बहुत खतरनाक रास्तों से आ रहे हैं हम लोग। ये देख सकते हो गाइस, चारों तरफ खेत है और ये मेरा दोस्त आ रहा है। कम फास्ट कम। आराम से फाइनली 1.5 घंटे बाद हम लोग को ये अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो मिला है। पहुंचने ही वाला है कुछ देर में, दिख जाएगा आपको क्या जगह है। तो दोस्तों ये है बहुत प्राचीन टीला यहाँ पे का, बहुत कम देखने को मिलता है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्राचीन है ये। यहाँ पे बहुत सारी मान्यता है देवी देवताओं की, साथ में यहाँ भगवानों को भी पूजा जाता है। नारियल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान्यता होगा यहाँ। और ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि जब बारिश होती है तो ये पूरी तरह से ढक जाता है यहाँ। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पानी कम है तो हम देख पा रहे हैं इसको, नहीं तो पानी के टाइम पे पूरा भर जाता है। आप देखिए यहाँ पे जब बांध जो बनी सुना होकर पहले जो मंदिर रहते नहीं, कई बार रहते मंदिर वंदिर रहते रहते तो ना, जब बांध बनी सुना तो अगर बाधे डूबना चालू हो गए डूबी सब जाना का भी वर्तमान बना। जब पानी कम हो जाना शुरू था पूरा खत्म हो गए तो वह दिखाई दी से। अच्छा ठीक ये बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा ठीक, गाँव के लोग जाते हुए यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। मान्यता है कि ये पहली बार दिखा है इतने सालों में जब पानी कम, अभी तक ये देखा नहीं गया था
जैसे ही पानी कम हुआ है तब देखा गया इसे। जो कि प्राचीन यहाँ पे कुछ कुछ मूर्तियाँ मिली है, यहाँ पे इनका पूजा किया गया है, पता नहीं कौन से देवता है, समझ में नहीं आ रही, बट यहाँ रख देते हैं अभी यहाँ पे। जय भगवान। नारियल चढ़ाया हुआ है, ये सब देखो बताओ। ओम भाई साहब, यहाँ पे है जो शुद्ध पानी के तौर पे लिया जाता है जमीन से, क्या बोला जाता है यार, कुछ बता सकते हो क्या आप लोग? ये बावली है सर, ये प्राचीन काल में जब राजा महाराजा रहते थे तो स्नानागार जिसको। अच्छा, अभी भी देख सकते हो, अभी भी बना हुआ है गाइस, अंदर पत्थर डाल डाल के बनाया गया है ईंटे से, तो ये एक नंबर का मतलब प्राचीन जगह पे आ गया है, बहुत ही प्यारा जगह है ये। ये है प्राचीन कुआं यहाँ का, कुंड कुंड बना हुआ एक्चुअली, प्राचीन कुंड भाई साहब, यह पानी नीचे निकाला जाता था उस टाइम के जमाने में। अभी भी देखो आप, पानी है बाकी सब जगह, ये देखिए बहुत गहरा होगा ये भी, थोड़ा देखिए क्या कितना गहरा है, डंडा फंसा देखना। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, हमारा आज का सफर पूरा हुआ, काफी थकान भरा और खाना तो खाए नहीं है, लेकिन घर जाके डांट के खाना पड़ेगा घर वालों से, ऐसा लग रहा है। तो मिलते हैं।